दिखाएंगे आपको व्हील सिलेंडर के बारे में, व्हील सिलेंडर कैसे चेंज किया जाता है। ये हमारा व्हील सिलेंडर होता है, ये हर गाड़ी में होता है पीछे के ब्रेक में। अब तो नई लेटेस्ट गाड़ी आ गई है, उसमें डिस्पैच लूटर आ गया है, लेकिन ये जो पुराना मॉडल जो आता था 2013-14-15 में, तो उसमें व्हील सिलेंडर आता है। ये सिलेंडर होते हैं, इसमें दो पिस्टन चलते हैं इसके अंदर। और ये आप देख रहे हैं, ये ऑयल आ गया इसमें। ऑयल इसलिए आ गया क्योंकि इसके बीच में किट होता है, तो किट लीक होने के कारण इसका ऑयल इधर आ गया, ऑयल का प्रेशर, तो इसलिए लीक हो गया। अब लीक होने से ये ख़राब है, ब्रेक मार दी, सारा ऑयल बाहर फेंक देगा। और इसको कई की तरीका, इसको रिपेयर करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, और चलते भी नहीं ज़्यादा दिन, तो ये चेंज ही हो जाता, ज़्यादा महंगा भी नहीं होता, 600-700 रुपये का होता है। सब गाड़ी का अलग अलग होता है, लेकिन ये चेंज करने में फ़ायदा होता है। और रिपेयर करने से क्या होता है, इसमें जैसे किट फट गया तो किट डालने से ज़्यादा 1-2 महीना चलता, फिर दोबारा प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन ये चेंज करने से एक बार साल भर के लिए भूल जाओ, साल भर आराम से चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, साल क्या 2 साल भी चल जाता है, क्वालिटी का हिसाब होता है। इसको चेंज क्या कैसे किया जाता है ये बता देता हूँ मैं। चेंज करने से इनके आसान तरीका है, इसके 2 बोल्ट होते हैं पीछे, ये आप देख रहे हैं, ये 2 बोल्ट होते हैं इसके, ठीक है भाई, 2 बोल्ट होते हैं, और ये पाइप खोलना पड़ता है, तो फिर ये बाहर आ जाता है, ऐसी एसिटीज बाहर आ जाता है। तो ऐसे नया डाल के आप चेंज कर सकते हैं अपना आराम से, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, ईजी काम है। तो आपको दिखा दिया व्हील सिलेंडर होता कैसे, और जब इसको लगा लेते हैं तो इसका एयर निकालना ज़रूरी होता है। अगर एयर नहीं निकालेंगे तो ब्रेक नहीं आएगा। एयर निकालने के लिए जब हम इसको लगा लेंगे तो इसका ये देख रहे हैं पूरा, इसके ऊपर ड्रम होता है, ये ड्रम लगता है, ये ड्रम देख रहे हैं, ये ड्रम लगता है इसके ऊपर, ये पूरा राउंड कवर कर लेता है, पूरा कवर कर लेता है, कवर करने से फिर उसके बाद आगे से ब्रेक इसका गाड़ी इंजन, जैसे जिस इंजन गाड़ी में बूस्टर होता है जिस ब्रेक में, तो उसको स्टार्ट करके ही ब्रेक बनता है उसका। स्टार्ट करके अपना 2-3 बार पैडल मारो, और यहाँ से ये निप्पल देख रहे हो, निप्पल खोल के हवा यहाँ से निकलता है, बीच बीच में खोल खोल के एयर निकालना पड़ता है। जब तक एयर नहीं निकलेगा तब तक इसमें ब्रेक नहीं आएगा, एयर का बहुत बड़ा फंडा होता है इसमें, इसलिए आप देख रहे हैं इसमें एयर निकालना पड़ता है। ये हर गाड़ी में होता है, किसी का भी ब्रेक बनाना हो तो उसका एयर बनाना ही पड़ता, निकालना ही पड़ता है, बिना एयर निकाले ब्रेक नहीं आएगा। ऐसे नहीं है निकाल के चेंज कर दिया और लगा दिया और ब्रेक का गया, ऐसे नहीं होता, बगैर एयर निकाले ब्रेक नहीं आएगा। मैंने दिखा दिया आपको व्हील सिलेंडर का प्रोसीजर कैसा होता है। बाकी आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा।